नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पाइनएप्पल को वाटर प्रोपगेशन करते हैं, तो इसके ऊपर मैं पूरा जानकारी दूंगा। प्रोपगेशन वाटर प्रोपगेशन के बाद आप इसको जो है प्लांटेशन करके भी मैं दिखाऊंगा। इसको केयर के बारे में भी मैं बात करूंगा, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसको पहले जो है ये जो पाइनएप्पल ये आप मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया, तो आप भी मतलब अगर इसको प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो एक बाज़ार से ख़रीद के लाइए। तो इसको जो है ये आप पहला जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल जो है इसका स्टेम मतलब जितना हो सके उतना रखना है, उसको ऐसे कट के उसको निकालना है। तो दोस्तों चलिए, ये जो पाइनएप्पल है आप तो जानते ही हैं एक बड़ा सुस्वादु मतलब टेस्टी जो है फ्रूट है, तो इसका जो है वो घर पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहला जो स्टेप है उसको करके दिखाता हूँ। ये जो है इसको बिल्कुल जो है एकदम मतलब इसको स्टेम जितना हो सके उतना जो है उसके साथ रखना है, ये लीव्स के साथ रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको काटता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मैंने काट दिया, तो आप देखिए ये जो ये कैसे मैंने काटा, इसको बिल्कुल जो है इसके बराबर करके मतलब मैंने निकाल लिया। तो दोस्तों चलिए, इसको ऐसे ही काटना है, उसके बाद जो ये जो लिप्स है इसको धीरे धीरे जो है लिप्स को हटाना है। देखिए ये लिप्स को जो है इसको फेंकना है, ये देखिए ऐसे करके इस लिप्स को जो है पूरा नीचे से कम 2 इंच ऊपर तक इसको खाली करना है ऐसे करके। इसको निकाल लेते हैं लीव्स को, तो ये देखिए आराम से अभी लीव्स जो है ये निकल जाएगा, आप धीरे धीरे इसको जो है निकालते रहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो मैंने जो लीव्स जो है निकाल दिया, इसके से इसमें मतलब छोटा छोटा जो लीव्स है ये देखिए सारे जो है नीचे से मतलब मैंने तोड़ दिए। उसके बाद जो है ये देखिए ये जो आप पुराना रूट्स इसका देख रहे हैं, ये नया रूट्स निकलेगा, तो नया रूटिंग के लिए मैं इसको पानी में अभी डालूंगा। तो मैंने पहले जो है इसको पानी में एक और डाल के रखा था, तो मैं वो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका रूटिंग हो गया, ये देखिए पानी में, ये देखिए। तो अभी इसको जो है प्लांटेशन कर दूंगा। तो चलिए इसको रख लेते हैं और इसी को डाल देते हैं। तो कैसे डालना है आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये कम से कम जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ तक जो है मतलब पानी के अंदर होना चाहिए, यहाँ तक मतलब 1 से 1.5 इंच तक जो है पानी के अंदर होना चाहिए, ये लिप्स के ऊपर जो है पानी जाना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप ऐसे ही मतलब पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए इसको, ये देखिए अब देख रहे हैं इसका जो वाटर लेवल है कम से कम 1 इंच के करीबन जो है वो पहुंच गया इसके ऊपर, वाटर जो ये अंदर चला गया कम से कम 1 इंच। तो ऐसे रखने से मतलब इसका जो है अच्छी तरह मतलब इसके ऊपर अगर पानी चला जाएगा, पत्ते में पानी अगर पहुंचेगा तो फिर पानी पत्ता जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे मतलब इतना तक पानी रखिए, 1 से लेकर 1.5 इंच तक मतलब पत्ते तक नहीं पहुँचना चाहिए, और बीच बीच में जो है दोस्तों ये पानी जब भी मतलब ये पानी का ये कंज्यूम कर लेगा तो कम होते ही मतलब थोड़ा बहुत और जरा रिफिल कर दीजिए, और हफ्ते में जो है एक बार कम से कम इसको पानी को जो है चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए, ये जो रूटिंग होने के बाद अभी मैं इसको प्लांटेशन करूँगा, तो ये प्लांटेशन के लिए मैंने जो पॉट का साइज़ उसके बारे में और कैसे केयर करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसको प्लांटेशन कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसको प्लांटेशन कर देते हैं। ये देखिए
ये जो मैंने पहले से ही मतलब रूटिंग करके रखा पानी में, तो इसको प्लांटेशन के लिए, एक्चुअली दोस्तों ये प्लांटेशन के लिए इसका जो है ये बहुत बड़ा मतलब 2.5 से 3 फुट का ऊंचाई में चला जाता है एक एक पत्ता, तो इसको कम से कम जो है 20 इंच वाला पॉट गहरा, कम से कम 2 फुट वाला जो अगर पॉट होगा तो इसके लिए अच्छा होता है। तो चलिए अभी फिलहाल जो है ऐसा मतलब बड़ा पॉट मेरे पास है नहीं, तो ये जो है मैं छोटा पॉट में ही इसको 12 इंच वाला जो पॉट है उसमें प्लांटेशन करके मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आगे की केयर, इसका सॉयल क्या है और आगे की केयर कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों पहले जो है प्लांटेशन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा गड्ढा कर लिया, ये जो सॉयल है ये सॉयल वेल ड्रेन्ड है होना चाहिए, तो इसमें पहले से ही मतलब ये पुराना सॉयल है, तो इसको अभी बरसात के कारण ये सॉयल जो है मैंने अभी निकाला नहीं है, तो इसको इसी में जो है प्लांटेशन करूँगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा जो गड्ढा करके इसको प्लांटेशन कर देते हैं। ये देखिए अब जो है इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, प्लांटेशन के बाद इसमें पानी डाल दिया। तो दोस्तों इसको धूप में मतलब अभी जो है थोड़ा हल्का शेडी एरिया में रखने के बाद इसको फिर आप इसमें सनलाइट में आप डालेंगे, मतलब इसके लिए सनलाइट तो रिक्वायरमेंट्स है, ये सनलाइट पूरा चाहिए इसके लिए, इसके लिए कम से कम 6 से 7 घंटा इवन 8 घंटा भी सनलाइट इसको देंगे तो अच्छा है। तो दोस्तों इसको ये बाकी आप इसको जो है वाटरिंग ये मॉइस्चर इसको मेंटेन रखना है, तो इसको वाटरिंग मतलब कहना करना है रेगुलर बेसिस पे। दूसरा जो है इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होना चाहिए, महीने में एक बार कम से कम जो है आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे, जैसे काउडंग मैन्योर हो या बर्मी कंपोस्ट इसको आप इसमें दे सकते हैं। ऐसे नॉर्मली जो है इसके लिए रिच सॉइल जो है ऑर्गेनिक जो वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से रिच मतलब जो सॉइल है उसी सॉइल में जो है ये अच्छा ग्रो करता है, अब इतना ज़्यादा इसके केयर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाला तो ये पानी जो है ड्रेन आउट हो गया, तो इसके मतलब ये जो सॉइल है ये वेल ड्रेन्ड है और मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाटर प्रोपगेशन जो है ये मैंने ये इसको पानी में जो रूटिंग किया तो आप भी इसे रूटिंग करके आप पाइनएप्पल की जो है प्रोपगेशन कर सकते हैं, आप घर पे भी पाइनएप्पल भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हो सकता है इसमें ज़्यादा नहीं बड़ा होगा पाइनएप्पल और इसमें कम से कम टाइम लगता है 1-1.5 साल इवन 2 साल भी आप टाइम लग सकता है, तो लेकिन इसका जो फोलियज है आप देख रहे हैं ये जो पत्ता है ये लीव्स है ये देखने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे जो चैनल गार्डन रूप है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।